डॉक्टर अजय आलोक, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, मेरा पहला सीधा सवाल है आपसे, इस चुनाव को भी आपने 80-20 बना दिया? दीपक जी, जवाब जानते हुए भी सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। पूरा कर्नाटक जानता है कि देश में 80-20 कौन करता है, 20 को पहले कौन लाता है। एक बजरंग दल जैसे संस्था को पीएफआई से इक्वेट कर दिया, ये क्या हमने किया? देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहा, हमने किया? कर्नाटका को एक अलग देश बनाने की कोशिश की गई सोनिया जी के द्वारा, जब कर्नाटका की सोवरेंटी की बात की गई, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? 80-20 हमने बना दिया। खुलेआम 4% मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध है, 80-20 हमने बना दिया। आप इस तरह से करेंगे तो बहुसंख्यक की भावनाओं आहत होंगी, एक नेचुरल रिएक्शन है। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं दिक्कत क्या है, केरला स्टोरी का लगे विरोध करने। अरे केरला स्टोरी आईएसआईएस के आतंकवाद के खिलाफ है, आप आतंकियों के साथ खड़े हो गए कि नहीं भाई केरला स्टोरी का विरोध होगा? तमिलनाडु ने बैन कर दिया, सारे कांग्रेसी उठ के एक साथ केरला स्टोरी करने लगे। क्या इस देश में अब ये तय हो गया है क्या कि हमको चुनाव जीतने के लिए हम भरपूर तौर से मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे, भले इसके बदले में मुझे आतंकवादियों का भी सहारा क्यों ना लेना पड़े? इतिहास ऐसा ही है ना, आप इतिहास उठा के देखिए, बाटला हाउस एनकाउंटर पे कोई रोने लगता है, 2000 हम पे मुंबई हमला होता है, कोई हम जवाब नहीं देते हैं, इसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करना है, ये मत करो। आर्म फोर्सेस के कमांडर्स जाके कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कि इसका जवाब देने के लिए हम माकूल तैयार हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना है, क्यों? मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री खुले तौर पर कहता है कि देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, हिंदू यहां पे बूट लादने आया है, बिहार में कहावत है, रोहन गुप्ता से पूछिए, बूट लादने आए थे इस देश में। और फिर आप बात करते हैं कि 80-20 हम क्यों कर रहे हैं, अरे 80 को तो इग्नोर किया 70 साल से, 80 को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा और अपर दर्जे का नागरिक 20% को बना के रखा, क्यों? क्योंकि ये भारत को कभी अपना देश ही नहीं मानते हैं। इसका उदाहरण स्वरूप मैं कहता हूं, कल जो कर्नाटका में सोवरेनिटी पे बात की गई वो निसंदेह शर्मनाक है, इलेक्शन कमीशन से हमने दरखास्त की है कि FIR दर्ज होनी चाहिए इस पे, ये देशद्रोह का काम है। ठीक है, मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर अजय आलोक जी, मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास सिर्फ दो मेहमान हैं और सबसे पहले आपने जो आज का सवाल है, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन से FIR दर्ज करने के लिए कहा है, आप रोहन जी, क्या कांग्रेस संप्रभुता का अर्थ जानती है, सोवरनिटी? पहली बात तो जो भाजपा प्रवक्ता ने बात की, अजय आलोक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा वापस के भाजपा के प्रवक्ता बन गए, फाइनली मेरी शुभकामनाएं। देखिए अभी उन्होंने जो बात की, भाजपा के कोई भी प्रवक्ता आप देख लो, कोई भी चुनाव देख लो दीपक जी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, यही बातें कर रही है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, दे हैव नो इश्यूज, इट इज अ इश्यूलेस पार्टी। जो कर्नाटका का चुनाव है, उनके पास कर्नाटका की जनता के मुद्दे के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं, ये भूल गए कि उनकी चूती हुई नहीं लूटी हुई सरकार है, कर्नाटका में जनमत था उसके खिलाफ, लूटकर बनाई गई सरकार है। ये भूल गए कि उनकी सरकार ने वहां पे 600 वादे किए थे, उसमें से 10% भी वादे आज पूरे नहीं कर पाए। ये भूल गए कि कर्नाटक की जनता का पैसा लूट के 40% कमीशन सरकार वो लोग वहां बन चुके। ये भूल गए कि वहां के जो उनके जो नीव के कार्यकर्ता था, उनको उन्होंने अन्याय करके करीब 36 टिकट है, उन्होंने परिवार का चाचा मामा ताऊ जीजा साला को दिया, और इसलिए वहां पे कर्नाटक में भाजपा का ये खराब है। ये भूल गए कि हर जगह पे जहां जहां उनके नेता गए हैं, वहां के कोई भी इश्यू को कर्नाटक की जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये भूल गए कि उनके 40% कमीशन ने इंश्योर कर दिया कि भाजपा की 40 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। दीपक जी, मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे 35 दिन से हूँ, ये जो भी अजय आलोक जी बात करें, कर्नाटक की जनता को जाके पूछिए, वो अपनी अस्मिता की बात कर रहा है। नंदिनी का इश्यू हो, प्रधानमंत्री जी आज यहाँ के बात करें, एक शब्द भी नहीं कहा, हर जगह थोपने की बात, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, ये क्या तरीका है? कर्नाटक इसको माफ नहीं करेगा। यहाँ पे हर समाज के लोग हैं और सब लोग जानते हैं कि जब से ये लोग सरकार में आए, कर्नाटका को जो अन्याय हुआ, इनके जो GST ड्यूज थे, आज तक केंद्र सरकार ने नहीं दिए। महादेही करके यहाँ पे योजना है, वो योजना ये लोग 6 महीने में पूरी करने वाले थे, आज तक डबल इंजन की बात कर रहे हैं, 3 साल में DPR भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका पास नहीं किया। कौन से मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं? और जो खड़गे जी जैसे लीडर है, उनको मारने की
धमकी उनके जो एमएलए है वो दे रहे हैं और ये पार्टी चुप बैठी है। क्या नैतिकता के पैमाने सिर्फ भाजपा के लिए है? क्या कांग्रेस के लीडर के खिलाफ कुछ बोलते थे, एक शब्द भी नहीं बोल सकते? ये उनके ऊपर ही सारी गालियां उनके लिए, आज वो लोग गालियां गिनवा रहे। मैं उनको चैलेंज के साथ, जो प्रियंका जी ने कहा, पूरी की पूरी बुक लिखने पड़ेगी अगर गालियों की बात करें। मुद्दा यहाँ पे खुद की गालियों का नहीं है, मुद्दा जनता का चुनाव है, जनता के इश्यू का चुनाव है, जनता को किए गए वादे पूरे नहीं कि नहीं उसका आपको रिपोर्ट कार्ड देने का चुनाव है। आप उसकी बात करिए, उधर उधर की क्यों बात कर रहे हैं? घुमाने का आप, उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, दीपक जी बहुत बड़ी चीज, इनकी जो साजिश एक्सपोज हुई, उन्होंने कहा इलेक्शन के पहले कि हम 4% रिजर्वेशन, 2% हम लिंगायत को देंगे, एससी को देंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल नहीं किया, डिबेट में आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 3 बार वहां पे डेट हुई, हर बार उन्होंने कहा कि वी विल नॉट फाइल रिप्लाई नाउ, प्लीज गिव अस द डेट। तो कौन से मुद्दे पे आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद कीजिए। आप लोगों की जो नियत है और नीति है, कर्नाटक की जनता पहचान चुकी है और मुंह तोड़ जवाब आपको 13 तारीख को मिलेगा। आप हिंदू मुसलमान के इश्यू बंद कीजिए, बहुत हो चुका। कर्नाटक की जनता की बात कीजिए, वहां की सरकार के किए गए वादों की बात कीजिए, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात कीजिए और 40% कमीशन की बात कीजिए। और सामने 5 गारंटी लेके आए दीपक जी, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। कांग्रेस के पंजे में 5 उंगलियां होती है, 5 गारंटी, ये लोग चुप हो गए क्योंकि हमने कॉन्क्रीट जनता की बात की है हर मुद्दे पे। अन्न भाग्य गृह ज्योति गृह लक्ष्मी, हर योजना में आप देखिए हम सिर्फ जनता की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए तो सही, इनके पास क्या समय है जनता के लिए कुछ बात करने का? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, राज्य का चुनाव है, कर्नाटक की बात कीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अजय आलोक जी, हर आंकड़े के ऊपर मेरे पास जवाब है और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप अभी नए जुड़े हैं पार्टी से। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कर्नाटक की बात कीजिए, डिबेट करने में मजा आएगा और आप आखिर में शायद आप ही बोल देंगे हृदय परिवर्तन हो जाए कि नहीं, आपकी बात सही है। रोहन जी, ठीक है, रोहन जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा लेकिन अजय आलोक जी के जवाब के बाद, क्योंकि सोवरनिटी संप्रभुता, क्या इस शब्द का मतलब? जिसने भाषण ट्वीट किया मिसेस गांधी का, उसको पता नहीं था, कांग्रेस को नहीं पता था, इस पर मैं आऊंगा। Zini.